गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 8, हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। इसके हमने का नंबर और खा नंबर को प्रश्न को हमने कर चुके थे। आज हम गा, घा और इंगा के क्वेश्चनों को करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए, फोर्थ पेज नंबर 42। ओके, क्वेश्चन नंबर गा, रिक्त स्थान की भरिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है सन्नाटा, गधा, दरबार, दाएं। ओके, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें हमें आंसर लिखना है, तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना बनेगा। विद्वान ने सवाल सुनकर दरबार में खालिस्तान छा गया, सन्नाटा, गधा, दरबार या दाएं, क्या छा गया? सन्नाटा। तो यहाँ पर क्या आएगा? सन्नाटा। साधा डा नामे नाटा में आत्मदटा सन्नाटा। ओके, नेक्स्ट इसी का है, मुल्ला नसरुद्दीन को खालिस्तान में बुलाया गया, कहाँ बुलाया गया? गधा या दरबार या दाएं, कहाँ पर बुलाया गया? दरबार में, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दरा दर और दबारा दरबार। ओके, नेक्स्ट है, मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक खालिस्तान था, क्या था? एक गधा था। क्या था? गधा। ठीक, फिर नेक्स्ट है, मुल्ला नसरुद्दीन ने पृथ्वी का केंद्र बिंदु गधे के पीछे वाले खालिस्तान पांव के नीचे बताया, तो यहाँ पर क्या आएगा? दाएं। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये खालिस्तान अपने कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे घा नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका, बादशाह सलामत मैं चीन से आया हूँ, मैंने खालिस्तान। ठीक है, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं, पहला आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने हैं, आपके दरबारियों की मूर्खता के बहुत किस्से सुने हैं, आपके दरबारियों की कायरता के बहुत से किस्से सुने हैं। तो जो वो चीनी विद्वान था वो क्या सुन के आया था? कि आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर में टिक आएगा। फिर नेक्स्ट है, हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं, वे खालिस्तान आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे। ओके, तो यहाँ पर सेकंड नंबर में टिक आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर सही उत्तर का पर चिन्ह लगाइए। ठीक, सही उत्तर चुनकर ये अलग है और ये भी वैसे ही है पर थोड़ा अलग है ना। फिर विद्वान ने कितने सवाल किए? 3, 5, 2, कितने सवाल किए विद्वान ने? विद्वान ने 3 सवाल किए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, बादशाह ने दरबार में किसे बुलाया? पहरेदार को, विद्वान को या मुल्ला नसरुद्दीन को? किसे बुलाया? मुल्ला नसरुद्दीन को। ठीक है, बादशाह ने दरबार में किसे बुलाया? मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया। फिर है, मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में कैसे आए? घोड़े पर, गधे पर या पैदल? गधे पर आए। फिर है नेक्स्ट, मुल्ला नसरुद्दीन ने पृथ्वी का केंद्र बिंदु गधे का कौन सा पांव बताया? आगे का दाया पांव या पीछे का दाया पांव या पीछे का बाया पांव? क्या आंसर आएगा इसका? पीछे का बायां पांव। ओके, तो ये हमारे क्या थे आज के, खालिस्तान सही विकल्प चुनिए। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम भाषा का ज्ञान या भाषा की बात वाला क्वेश्चन का नंबर है, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिए हैं लेकिन ये शुद्ध सेंटेंस में नहीं है, इसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, विद्वान किसी अन्य देश से आई थी, तो यहाँ पर पढ़ने में हटपटा लग रहा है, तो इसको हमें क्या करना है? सुधार के लिखना है। ठीक है, शुद्ध करना है। तो विद्वान किसी अन्य देश से आए थे, आई थी नहीं, आए थे।
ओके फिर दरबार में एकदम सन्नाटा थी, अब यहाँ पर थी को भी हमें हटाना है, तो क्या होगा, दरबार में एकदम सन्नाटा आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए अपने पहले सवाल, तो इसमें क्या बनेगा ये सेंटेंस, अपना पहला सवाल पूछिए या कीजिए, है ना, आपका सेवक हाजिर है, तो इसका आंसर क्या है, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म कीजिए। ओके तो ये थे अपने आज के प्रश्नोत्तर, सॉरी खाली स्थान और सही विकल्प चुनिए। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से आप लोग इसे कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट, चलिए बाय बाय स्टूडेंट।